वेलकम गाइस, तो गाइस एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एबी ब्रो फिशिंग में, और मैं इधर खान इस चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा स्टेट फिशिंग ग्रुप पर होने वाला है। स्टेट फिशिंग में आज के वीडियो में मैं एक ऐसा बेट लेकर आया हूँ, एक इस टाइप का प्रोडक्ट लेकर आया हूँ कि जिसमें आपकी फिशिंग बहुत फास्ट होने वाली है। बहुत ही जितना फास्ट से फास्ट हो सकता है उतना फास्ट आप इससे फिशिंग कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, और इस टाइम में हम लोग काफ़ी ज़्यादा फिशिंग करते हैं स्टिक वगैरह से, जिसमें स्पून या फ्रॉग वगैरह का यूज़ करके उससे हम फिशिंग करते हैं, और काफ़ी सारी जगह पर वो फिशिंग बहुत ही अच्छी हो भी रही है अभी जो टाइम चल रहा है गर्मियों का। उसके हिसाब से आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी कि स्पून कहाँ पर चलता है और फ्रॉग कहाँ पर चलता है। फ्रॉग चलता है इस टाइप की जगह पर जहाँ पर कचरा वगैरह हो या जहाँ पर मरल समल वगैरह होती है, वहां पर चलता है। अब इसके बाद आती है बात स्पून की, जो चम्मच से शिकार करते हैं। चम्मच से शिकार करने के लिए हमें बहुत ही साफ पानी की जरूरत पड़ती है, साफ पानी होना चाहिए वहां पर आप स्पून से फिशिंग कर सकते हैं। बहुत से भाई लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो साफ पानी वाली जगह है कोई, और ना तो ऐसी कोई जगह है जहां पर मरल या सवल कचरे वाली जगह, ये छोटी छोटी घास टाइप की हो पानी में, ऐसी जगह है ही नहीं उनके पास। तो वो लोग बोलते हैं भाई अब हम फिशिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं भाई स्पून अगर आपको चलाना है, स्पून से आपको फिशिंग करना है, तो पानी तो स्वभाव सी बात है कि साफ चाहिए पड़ेगा, तभी तो वो दिखेगा मछली को और तभी वो उस पर अटैक करेगी। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैं आपको लेकर आया हूँ, और ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। तो गाइस, ये है हमारे पास फिश हूपर, इसको हूपर बोलते हैं, और ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है। ये टू पीस में होता है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे ये टू पीस में है, एक ये इतना हिस्सा इस तरफ है और दूसरा हिस्सा ये इस तरफ है, ये वाला घूमता है इस तरह से। तो ये जो हूपर है वो काम क्या करता है, अब इस बात पर हम आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये टू पीस में होता क्यों है। ये टू पीस में इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम इससे कास्टिंग करने के बाद उसको वापस खींचते हैं अपनी तरफ, तो ये पीछे वाला हिस्सा पानी में चलता है, ये इस तरह चलता है, ये इस तरह घूमते हुए चलता है, और घूमते हुए जब ये चलता है तो ये अपने साथ थोड़ा सा पानी आगे की तरफ फेंकता है। इससे अगर आपके पास गंदा पानी भी है तो वहां पर भी मछली को पता चल जाता है कि यहाँ से कुछ जा रहा है, और मछली उस पर बहुत आसानी से अटैक कर देती है। जैसा कि स्पून में मछली को दिखना चाहिए कि स्पून चल रही है या स्पून मछली जैसा कुछ चल रहा है, तभी दिखेगा जब पानी साफ होगा। लेकिन जो हमारा हूपर है इसमें हमें साफ पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको चलाना है। तो मछली जैसे ही देखती है कि पानी के ऊपर कुछ जा रहा है तो वो उस पर अटैक कर देती है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये पानी में डूबता भी नहीं है, ये पानी के ऊपर चलता है, तो इसमें मछली जो है वो अपना थोड़ा सा सिर बाहर निकाल के ही अटैक करती है, जिस तरह से मरल समल वगैरह अटैक करते हैं उसी तरह से बुआल मछली पड़ी मछली ये इस पर अटैक करते हैं, सिर को थोड़ा सा बाहर निकाल के। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, गंदे पानी में भी आप इसको चला सकते हैं, साफ पानी में भी आप इसको चला सकते हैं, और इसके साथ आप कचरे वाली जगह पर भी इसको चला सकते हैं। और इसमें एक चीज और मैं आपको बता दें, इसमें दो कांटों का यूज किया गया है, एक ये कांटा पीछे की तरफ है और एक ये कांटा ये बीच में है। तो जो हमारी दूसरी फिश होती हैं बैट वाली, उनमें सिंगल कांटा होता है या डबल कांटा भी होता है, लेकिन वो सिंपल चलती हैं पानी में। आप लोगों को जानकारी होगी जो लोग चलाती रहती है वो सीधी सीधी चलती रहती है, तो मछली जब तक उसको देखेगी नहीं तब तक उस पर अटैक करती नहीं है। लेकिन हमारा ये जो हूपर है वो इस तरह की एक्टिविटी करता है पानी पर जाने के बाद जब हम उसको खींचते हैं कि मछली को वो दिख भी नहीं रहा है, उसके बाद भी मछली इस पर अटैक करती है, और जरूर अटैक करती है, बस वहां पर होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट भी करता है मछलियों को, जो मछली इस पर फटाक से अटैक कर देती है। इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं कि ये दिन में तो काफी अच्छा चलता ही है, बहुत ही अच्छा, मैं कह दूंगा 100% रिजल्ट है इसके,
और मैंने इसका कई बार प्रैक्टिकल भी कर लिया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, दिन का टाइम हो या नाइट का टाइम हो। बस ये होता है कि हमारे यहाँ पर मछलियों को पकड़ने वाली जगह थोड़ी कम है, तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ ये एमपी साइड, यहाँ पर बहुत कम नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, तो यहाँ पर नाइट टाइम में बहुत अच्छा शिकार हो जाता है। जैसे आप नाइट टाइम होता है कितने समथिंग 7 या 7:30 बजे की समथिंग, तो उतने टाइम आप 5 या 10 बार ही फेंकेंगे, उतने में ही मछली 2 या 3 मछलियां उस पर घटाक से अटैक कर देती हैं। और इसके बाद डिपेंड करता है आपके पास मछलियां किस टाइप की हैं। बड़ी मछली होगी तो वो बहुत जल्दी अटैक कर देती है, छोटी मछली थोड़ा सा टाइम लेगी तो उसमें आपको 1-2 बार एक्स्ट्रा फेंकना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास ये हुकर है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको ये चाहिए तो घटाक से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और बाकी तो इसकी जो क्वालिटीज हैं वो आपको इसको खरीदने के बाद ही पता चलेंगी। कास्टिंग के हिसाब से भी काफी अच्छा है, क्योंकि इसका जो वेट है वो वेट आपका इसका करीब 45 ग्राम के समथिंग है। इसके बाद भी 45 ग्राम वेट होने के बाद भी ये पानी में डूबता नहीं है, तो इस बात की भी टेंशन नहीं रहती हमें कि पत्थर वगैरह में उलझ जाएगा। तो इसको आप कचरे पर भी चला सकते हैं और गंदे पानी में भी चला सकते हैं, साफ पानी में भी चला सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको चला सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसके, 100% रिजल्ट है। इसके बाद आती है कि इसमें कौन कौन सी मछली फंस जाती है। तो गाइस इसमें कोई भी मछली अगर आपके आसपास है, जैसे बुआल, पढ़ीम और मरल वगैरह, सोल, समल और ये अय्यर वगैरह, जो भी मछलियां हैं आपके आसपास, वो तमाम मछलियां इसके ऊपर अटैक कर देती हैं। और फ्रॉग से भी बेहतर रिजल्ट है इसके, और स्पून से भी बेहतर रिजल्ट है इसके, क्योंकि आप लोगों को पता हुआ कि मैं 100% श्योरिटी से ना स्पून के लिए बोलता हूँ ना फ्रॉग के लिए बोलता हूँ, और कई तरह के प्रोडक्ट मैं खुद सेल करता हूँ उसके बाद भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन ये जो हमारा प्रोडक्ट है हुपर, इसके लिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसमें मछली अटैक करेगी ही करेगी। और इसको चलाने का जो तरीका वो भी बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया कि ये पानी आगे की तरफ फेंकता जाता है, और नाइट बिल्कुल शांत वातावरण है तो इसमें आपको इसकी आवाज भी सुनने को मिलेगी, थोड़ी सी आवाज भी करता रहता है बबलिंग टाइप की, तो उसमें एक मछली बहुत जल्दी अटैक कर देती है। तो गाइस ये था आज का हमारा फिश हुपर जो कि हमने देखा। इसमें आपको कई कलर भी मिल जाएंगे, अगर आपको बहुत से लोगों को कलर डिमांड होती है तो वो भी आपको मिल जाएगा, ये आसमानी नीला और ये वाटर कलर में भी मिल जाता है आपको। ये बहुत से प्रोडक्ट हैं इसमें, छोटा साइज और बड़ा साइज, जो भी साइज आप लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, और 100% रिजल्ट भी इसकी मिलती है। जो लोग कम टाइम में फिशिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद हमारे यहाँ जो आसपास इसमें मछलियाँ निकलती हैं वो दिन के टाइम कम निकलती हैं, और नाइट के टाइम में इसमें फटाक से शिकार हो जाता है। 5 या 10 या 15 मिनट का ही टाइम लगता है, उतने में ही इससे शिकार हो जाता है। बस नाइट के टाइम में वीडियो कैप्चर नहीं हो पाता है अंधेरे की वजह से, इस वजह से मैंने अभी तक इसका वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारी अगली वीडियो हो वो हमारे हुपर के ऊपर ही होने वाली है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।